खैरथल में व्यापारी की लूट के इरादे से गोली मारकर की गई हत्या के आरोपियों को पुलिस 15 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में अभी तक व्यापारियों और आम जन का क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर पुलिस के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। अब महिलाएं भी थाने पर प्रदर्शन करने पहुंची और मृतक मुकेश के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। दस मार्च को करीब शाम 8 बजे व्यापारी मुकेश अग्रवाल दुकान से घर की तरफ निकला था। इसी दौरान दो नकाबपोश बदमाशों ने मुकेश से रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। मुकेश के विरोध करने पर बदमाशों ने मुकेश पर गोली चला दी, जिसके चलते मुकेश की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में पुलिस को व्यापारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिन बाजार भी बंद रखे गए, लेकिन आज घटना के 15 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस ने अपराधियों के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए, लेकिन उससे भी कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस ने अभी कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले रखा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन परिवारजन आज व्यथित हैं कि मुकेश की हत्या के आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। सोमवार को मृतक मुकेश की माँ के साथ अनेकों महिलाएं खैरथल थाना पहुंची और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ वहां महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। इंसाफ के लिए आए और माँ हूँ मैं, उसके पापा भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ। दिन की हमारी रोटी गई, रात की हमारी नींद गई। मैं इतनी सोती थी, मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 9 साल की बच्ची नहीं है छोटी वाली, जो उसको पापा का याद करती है। उसकी बेटी है एक, 10वीं माई है। फिर क्या करें हम, पुलिस क्या कर रही है? हम न्याय चाहते हैं, हमारे बच्चों को जल्दी से न्याय मिले। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं 2 दिन टाइम और दे रहे हमको, उसके बाद दोबारा देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको।